टी20 क्रिकेट में दोस्तों वैसे तो 200 रन बनाना भी तगड़ा काम हो जाता है, मगर दोस्तों अब टी20 में बन चुके हैं 486 रन केवल 240 गेंदों में, जिसमें चौके छक्कों की बरसात हुई। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार 486 रन टी20 में कैसे लगे, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों टी20 क्रिकेट में 150-160 रन भी बहुत ज्यादा लगने लगता है, अगर कोई टीम 200 से प्लस स्कोर कर दे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मगर दोस्तों क्रिकेट का एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। दोस्तों टी20 क्रिकेट में एक लीग चल रही है PSL, जिसका 27वां मुकाबला खेला गया मुल्तान सुल्तान और पेशावर जालमी के बीच में, जिसमें पेशावर जालमी ने 242 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान से, जिसमें बाबर आजम ने 73 रन, सईम अयूब ने 58 रन, जिसके जवाब में मुल्तान सुल्तान की ओर से रायलू रूसो ने 121 रन कूट दिए 51 गेंदों में, कायरन पोलार्ड ने महज इतनी गेंदों में कूट डाले 52 रन, जिसके दम पे मुल्तान की टीम ने बनाए 244 रन 19.1 ओवर में और इस लक्ष्य का पीछा, और ये दुनिया की सबसे बड़ी चेजिंग हो चुकी है टी20 क्रिकेट में। दोनों पारियों में 486 रन बने 240 गेंदों में, और दोस्तों ये टी20 क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।